ये आपके सामने कुछ खुला हुआ एंगल ग्राइंडर है, 125 mm का है और ये इंको कंपनी का है, ये देख सकते हो। वैसे इसका जो सामने पीछे की साइड का स्टिकर रहता है वो इसका निकल चुका है, तो मॉडल नंबर मैंने भी कुछ सर्च करके इसका आपको दिखा दिया है, क्योंकि इसमें जो ये गियर है ये ख़राब हुआ था और इस गियर को मैंने भी मंगाया, तो जो मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा AG200285 का, उसी मॉडल का इसमें गियर मंगाया हुआ हूँ और उसी को मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। इस ग्राइंडर का इसमें दो तीन इसी टाइप के मॉडल आ रहे हैं, तो परफेक्ट पता नहीं चला, जो इसका स्टिकर था वो निकल चुका है। तो चलिए मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसका जो खोलने का प्रोसेस है आपको वो भी यहाँ से साथ साथ में बताता हूँ कि किस तरह से इसको खोलना है। देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ से इसका कवर वगैरह फिट रहता है। अभी जो इसका आर्मेचर है वो कैसे सेट रहता है मैं दिखा देता हूँ, वैसे जब मैं फिटिंग करूँगा इसका तभी आपको मालूम भी पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अंदर बैरिंग पड़ा रहता है और ये लॉक पड़ा रहता है, जैसे हमारे 801 वगैरह के ग्राइंडर रहते हैं उनमें लॉक वगैरह नहीं रहता, डायरेक्ट निकल आते हैं। ये कुछ इस तरह से सेट रहता है, यहाँ पर बीच में गियर फंसा रहता है और उसके आगे एक नट लगा रहता है, उस नट को हमको निकाल करके ही इस आर्मेचर को निकालना रहता है। अब देखिए कुछ ये इधर पे इस तरह से फिट रहता है और यहाँ पर ये पीछे का कवर फिट रहता है, यहाँ पर एक छोटा स्क्रू लगा रहता है। सबसे पहले इस कवर को निकाल करके इस तरह से, और यहाँ पर जो कार्बन ब्रश लगे रहते हैं इन कार्बन को निकाल लेना होता है। ये पीछे आराम से इस पट्टी को उठा करके इसके कार्बन निकाल लेंगे, कार्बन यहाँ से देखिए पट्टी उठा देता हूँ, यहाँ से कार्बन निकल जाते हैं, बाद में पीछे का कवर निकलेगा और कवर निकलने के बाद में यहाँ पर इस हेड में जो गियर बॉक्स रहता है यहाँ पर चार बोल्ट स्क्रू जो है वो लगे रहते हैं, उनको हमको खोल लेना है। और देखिए ये जो इसका हाउजिंग रहता है आगे का, ये कुछ चार बोल्ट इसके ऊपर लगे रहते हैं, इसको भी खोल करके इस तरह से निकाल देना है। ये जो गियर है अब इस तरह से इसका आर्मेचर हमारा निकल आता है, ठीक है। पहले आप नहीं खोल सकते हो क्योंकि आर्मेचर और नट फिट रहेगा, तो इस आर्मेचर को और गियर बॉक्स को साथ में बाहर निकालना पड़ता है और बाद में इसको हमको निकालना पड़ता है। 801 में थोड़ी अलग प्रोसेस रहता है। अब इसलिए मैं इसको फिट करूंगा, जैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से इसको यहाँ से आर्मेचर को खोल करके बाहर निकालना है। यहाँ से इस तरह से कुछ इस एरिया को पूरा अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। ये इंगो कंपनी के जो ग्राइंडर वगैरह रहते हैं इनमें थोड़ी सी छोटे एरिया में सामान का बहुत दिक्कत आता है। अब देखिए ये जो है इसका गियर है और अब हम इसके सामने नया गियर लेंगे और नए गियर को ही सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ गियर रख देंगे, पीछे से आर्मेचर रखेंगे, धीरे धीरे से खिसकाएंगे तो आर्मेचर का जो हमारा सॉफ्ट रहता है अंदर का इस तरह से खिसकेगा और बाद में हमें आगे बोल्ट लगाने की लिए एक आध दो चूड़ी निकली हुई मिल जाएंगी। ये बोल्ट देखिए साफ करके मैं इसको और लगा देता हूँ। जैसे ही इसमें फिट रहे ये बोल्ट फिट करेंगे वैसे ही इसको खोलना रहता है सबसे पहले, बाद में ही आर्मेचर हमारा बाहर निकलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये बोल्ट है जो इसको हमने इस तरह से फिट कर दिया है, धीरे धीरे से घुमा करके टाइट करेंगे। बाद में 10 नंबर का जो हमारा पाना रहता है 10 नंबर के पाने को इस तरह से यहाँ पर फंसाना है। खोलने के लिए भी यही प्रोसेस करना है आपको, इस तरह से पानी को फंसाएंगे और इसको आर्मेचर को राइट साइड को इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा जो बोल्ट है वो टाइट हो जाएगा। याद रहे इस बोल्ट को एकदम परफेक्ट टाइट करना है, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वैसे ग्राइंडर के ऊपर जब ब्लेड का या डिस्क का लोड पड़ेगा तो फिर खुल जाएगा, इसलिए इसको लोड लेने में खुल जाता है, तो परफेक्टली टाइट करना है। अब देखिए ये हमारा हो चुका है कम्प्लीट। एक बार हम वापस इसको और थोड़ी टाइट कर देते हैं इस तरह से अच्छे से पकड़ करके, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुका है। अभी चलिए इधर का जो बैरिंग वगैरह है वो सब इसका ओके है, खाली इसका गियर ख़राब हुआ था। इसको कुछ इस तरह से ये राइट साइड में इसका जो अंगूठा रहता है उधर स्विच रहता है इस एंगल में रखते हुए इसको, और कुछ इस तरह से हमको इसको सेट करना है। हालांकि मैं खोलने का वीडियो भी बताता लेकिन कस्टमर सामने था, उसको मुझे खोल करके पूरा बताना पड़ा कि मतलब ये चीज़ इसमें ख़राब हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने इसको खुला ही रहने दिया है। देखिए यहाँ पर चार जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको फटाफट से कर देते हैं फिट, तो ये हमारे चारों स्क्रू फिट हो चुके हैं। अब चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो कार्बन है
कार्बन भी इसके अलग टाइप के आते हैं। मैंने कुछ 810 टी ब्रेकर के जो कार्बन रहते हैं उनको घिस करके, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास में भी इसका जो मेन कार्बन आता है वो नहीं है, तो मैंने उसको घिस करके और इस तरह से कुछ कार्बनों को इस जगह पर कार्बन होल्डर के अंदर सेट कर दिया, ऊपर से पट्टी चढ़ा दिया है। अब चलिए पीछे का जो हमारा कवर है, इस पीछे वाले कवर को हम इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको कर देते हैं सेट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी हार्ड जा रहा है, पीछे से इसमें थोड़ी सी इस तरह से हथौड़ी मारेंगे ठोकर, और इसमें वेरिएबल स्पीड वाला जो ये कंट्रोलर रहता है इस जगह पर लगा रहता है और यहाँ पर एक बोल्ट लगा रहता है। ध्यान रहे वेरिएबल स्पीड वाला जो हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है, गवर्नर भी जिसको बोला जाता है, तो उसको होल जो बना रहता है वहाँ से आराम से निकालना है। चलिए इस तरह से ये एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार हम इसको खाली यहीं से टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए ये मैंने सीरीज बोर्ड में चालू किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है, देख सकते हो आर्मेचर वगैरह में पीछे कहीं भी कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो गियर है वो ख़राब हो चुका था। अभी चलिए इधर का ये भाग हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो इसका यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कॉइल डाल देते हैं जो निडल बेयरिंग नीचे पड़ा रहता है, बाद में फिर हम इसको करेंगे फिट। अभी यहाँ से देखिए इस गियर को निकालेंगे हम लोग। इस गियर को निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में बेयरिंग रिमूवर पुलर रहता है, देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंट है। अभी ये जो हमारा बेयरिंग रिमूवर पुलर रहता है इसी की सहायता से हम इसको निकालने वाले हैं, और वैसे काफ़ी टाइट रहता है, इसकी भी सहायता लेते हैं, अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा वॉइस पुलर रहता है उसके अंदर हम इसको इस तरह से टाइट करेंगे फिट करके, बाद में वॉइस पुलर के ऊपर ले जाएंगे। एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं, अगर खुलता है तो ठीक है, यहाँ से खुल जाता है तो मुझे कैमरा वगैरह घुमाना नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड है और यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ये वॉइस पुलर के अंदर मैंने इस तरह से रखा हुआ है, और इस तरह से इसको हम सेट करके वॉइस पुलर को टाइट कर देंगे और पीछे से हम लोग घुमाएंगे तो हमारा जो ये गियर है ये निकल जाएगा। देखिए इस तरह से इसको फंसा करके इसको घुमाएंगे तो ये हमारा गियर है निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है, मैंने जिसको मोबाइल पकड़ा रखा था उसने बीच में स्टॉप कर दिया वीडियो को, तो यहाँ का जो प्रोसेस था वो थोड़ी छूट चुका है। तो चलिए यहाँ से हमारा जो फिट करने के लिए नए गियर को करने के लिए, यहाँ से हम ये जो मेरे पास में हैंड प्रेस मशीन है इसमें कुछ इस तरह से रखेंगे, दो नंबर का हैंड प्रेस मशीन है मेरे पास में, तो यहाँ से इसको हाउजिंग को और गियर को इस तरह से रखेंगे स्पिंडल के ऊपर में, और ये गियर के ऊपर इस तरह से एक पैरिंग का बाहर वाला टूटा हुआ टुकड़ा रख लेते हैं ताकि गियर के दांतों के ऊपर कुछ भी खराबी नहीं आए हमें। अभी यहाँ से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, प्रेस करके थोड़ी ऊपर से इसमें हथौड़े का ठोकर दे करके ताकि अच्छे से ये जो गियर है ये सेट हो सके। तो इस तरह से ये हो गया है सेट। अभी चलिए इस गियर के ऊपर हम ग्रीस वगैरह लगाएंगे, तो यहाँ से अब इसको करेंगे फिट। यहाँ पर इसके ऊपर गियर के ऊपर हम लोग अच्छी तरह से लगा लेते हैं ग्रीस, और ग्रीस लगाने के बाद में इसको कर देते हैं फिट। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पर टॉप साइड में कुछ इसमें लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ भाग है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर जो चार हमारे छोटे छोटे इसके स्क्रू हैं इनको फिट कर देते हैं। चलिए चारों स्क्रू को इस तरह से फिट कर दिया है। इसका अभी जो टिप आना मैंने इस तरह का बनवा रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी लोड वाला काम रहता है, ब्लेड वगैरह थोड़ी हैवी चलता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से अपने हाथों से इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि भरोसा हो जाए। अब देखिए जो इसका सेफ्टी कवर है
कुछ यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, इस तरह से इसको रख करके इस तरह से घुमा देना है और इसका सेफ्टी कवर फिट कर देना है। अभी चलिए इसके जो एबी वॉशर रहते हैं दोनों को फिट करके इसको चालू करते हैं एक बार। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से बिल्कुल हमारा जो ब्लेंडर है, अगर आपको लगे कि आवाज़ वगैरह थोड़ी अलग चेंज हो रही है तो हल्का हल्का यहाँ से ठोकर मार करके आप लोग उसको थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाता है। और इसी तरह से कुछ इसमें गियर सेट आप लोग इस वीडियो की मदद से चेंज कर सकते हो। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।